आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने किया डिटेंशन सेंटर में खुद को बंद। धरना स्थल पर तैयार किया गया प्रतीकात्मक डिटेंशन सेंटर CAA, NRC व NPR को लेकर इजाद किया गया नायाब विरोध प्रदर्शन का तरीका। प्रतीकात्मक डिटेंशन सेंटर बनाकर छात्रों ने खुद को जेल के अंदर दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। कहा, हम लोगों को सरकार दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना चाहती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने CAA, NRC और NPR का नायाब तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए एक काल्पनिक डिटेंशन तैयार किया और उसमें खुद को बंद कर एक बर्गर को बांट कर खाया। छात्र नेताओं ने कहा कि हमने AMU के गेट से घुसते ही धरना स्थल पर डिटेंशन सेंटर बनाकर खुद को बंद कर ये प्रदर्शित किया है कि इस कानून के बनने के बाद सबसे पहले इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने भले इसको अभी किसी को नहीं दिखाया हो लेकिन ये भी कानून की तरह सामने आ जाएगा, क्योंकि सरकार इस तरह से तमाम डिटेंशन सेंटर खोल चुकी है। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के हमारे जो इंजीनियर दोस्त थे, ये उनका नतीजा है। आज उन्होंने काबिले तारीफ काबिले मुबारकबाद है। ये हमने एक दिखाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि बाबे सैयद के अंदर बिल्कुल घुसते ही सबसे पहले दाएं हाथ पे डिटेंशन सेंटर में इसलिए डाला गया कि सबसे पहली सीढ़ी अगर आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई, आप लोग यूनाइट होकर के नहीं लड़े इस काले कानून के खिलाफ, तो यही सबसे पहला घर होगा जिसको अमित शाह ने प्लान किया है, जिसको नरेंद्र मोदी की सरकार ने प्लान किया है। क्योंकि उन्होंने ये तय कर लिया था कि मुसलमानों को द्वयम दर्जे का नागरिक बनाना है। उन्होंने ये तय कर लिया था कि पूरे हिंदुस्तान को आपस में हिंदू मुस्लिम करा देना है। उन्होंने तय कर लिया था कि बाकायदा ये नफ़रत की राजनीति पे दम पे जिस तरह उन्होंने 2014 में आए, वो ऐसे करते करते वो एक तरफ नफ़रत इतना ज़्यादा बो देंगे कि फिर से बंटवारे का नौबत आ जाएगी, वही जैसे 1947 में होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकबाद का मुस्तहक है पूरा हिंदुस्तान, सारे वो हिंदू भाई, सारे वो सिख, सारे वो क्रिश्चियन, सारे वो ज्यूज, सारे वो पारसीज, जो मिल करके मुसलमानों के इस खिलाफ बनाए हुए इस काले कानून को साथ में मिलकर लड़ रहे हैं। वो देश बचाने के लिए लड़ रहे हैं, वो संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, वो यहाँ प्रेम्बल को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, जिसमें कहा जाता है कि राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 में ये कहा गया है। आप देखिए कि इसका वायलेशन आप किस तरह करना चाहते हैं, ये जेल की तरह है बिल्कुल। इसमें आप ये देख लीजिए कि जिसमें एक आदमी की लेटने की भर की जगह सही से नहीं हो, बैठने भर की जगह ना हो, उसमें सांस लेने भर की नहीं जगह है। ये सेम प्लान जो किया गया है अमित शाह के ज़रिए, ये वही है। और मैं चाहता हूँ सरकार से कि इसको काले कानून को वापस ले लीजिए, क्योंकि हम लोग भगत सिंह के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, हम लोग गांधी के भी रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, हम सर सैयद के भी रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, हम नेहरू के भी रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, हम अम्बेडकर के रास्ते वाले भी जाएं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि हम लोग कमज़ोर तबके से आते हैं इसलिए संविधान मानते हैं। वरना आपके लोग, जैसे आपके लोग एक बलात्कारी के लिए तिरंगा यात्रा निकालते हैं,